पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते रबुपुरा आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। दरअसल केंद्रीय एजेंसी ने सीमा हैदर के 4 बच्चों को लेकर भारत में आने और उसकी पाकिस्तान में रहने के दौरान गतिविधियों पर जांच शुरू कर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली से आई दो अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने जाँच पड़ताल की, तो वही मामले की जाँच कर रही जेवर पुलिस ने केस का नए सिरे से अवलोकन शुरू किया है। जाँच टीम ने शुक्रवार रात 9:30 बजे सचिन के घर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीमा और सचिन के बयान लेने के बाद बरामद किए गए सामान के आधार पर जांच आगे बढ़ा दी है। केस में धाराएं बढ़ाए जाने की बात भी सामने आ रही है, तो वहीं मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की भी तैयारी है। बता दें कि सीमा हैदर के पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते रघुपुरा में आने और सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल को शरण देने के मामले में रघुपुरा पुलिस ने नामजद करते हुए केस दर्ज किया था। उस दौरान केस में जो धाराएं लगी थी उनके 5 साल की अधिकतम सजा थी। इसके चलते जेवर कोर्ट से सीमा हैदर, सचिन, उसके पिता को जमानत मिल गई थी, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा मामला होने पर केंद्रीय एजेंसियों की जांच पूरी नहीं होने के कारण अभी किसी भी अधिकारी ने सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दी है। तो वहीं बता दें कि सीमा हैदर का कहना है कि वो सचिन के प्यार के खातिर हिंदुस्तान आई है और वो हर जांच और परीक्षा से गुजरने को तैयार है। कुछ लोग उसके हिंदुस्तान आने से इतने कुंठित हैं कि वो उसकी छवि खराब करने और बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। उसके किसी नेता से संबंध नहीं है। जो युवक उसका प्रेमी होने का दावा कर रहा है उसका नाम एजाज है। वो उसके मकान मालिक का बेटा है। उसके पास एक शादी में उसके साथ बनाई गई टिकटॉक वीडियो के अलावा कुछ नहीं है। उसकी सहेली भी कुछ लोगों के कहने पर आकर उसे बदनाम कर रही है।